एक फिल्म है और इसका नाम है जी आम। हम आम का मतलब क्या है जी? अजयंते रंदम मोहसनम। ठीक। ओ क्या सीन था। क्या बेटा और इसका बैकग्राउंड म्यूजिक वाज वेरी गुड। और ट्विनियो का जो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, वेलकम टू आवर चैनल अब्बास कोरिया। तो जी फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज फर्स्ट डू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, गिव योर सजेशन इन द कमेंट बॉक्स। तो आज यूट्यूब की जिस वीडियो पे हम लोगों ने रिएक्शन करना है उसकी एक फिल्म है और इसका नाम है जी आम। आम का मतलब क्या है जी? अजयंते रंदम मोहसनम। ठीक है जी, से इसका शॉर्ट इसका निकाल के उन्होंने आम बना दिए। ठीक है जी, ये एक पैन इंडिया मूवी है। ठीक है जी, और इसका जो प्रोमो रिलीज किया गया वो तकरीबन सारी साउथ लैंग्वेजेस में किया गया और हिंदी में किया गया। और इसके जो स्टार्स हैं जिसके अंदर वो हैं जी टोविनियो थॉमस, अजयंते रंदम मोहसनम, कृति शेट्टी एंड ऐश्वर्या राजेश। तो चलते हैं, चले देखते हैं इसका टीजर। स्टे विद अस। मैजिक फ्रेम्स यूजीएम। अब दादी माँ फिर मणियन की कहानी सुनाओ। दाद मणियन स्टोरी। रात को सोने से पहले भगवान का नाम लेने के बजाय जिसने ज्योति चिराग चुराया उसकी कहानी सुनी। ज्योति चिराग चिराग छा गई। ये क्या हो गया? तो होमवर्क। ओ, क्या सीन था यार जंगल में। क्या बात है, म्यूजिक इसका ना काफी बैकग्राउंड म्यूजिक काफी अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा ना। और का KRM चिंतन लाल मूवी। उसकी कहानी रात में सुनना ठीक नहीं है बेटा। यानी कि इतनी खौफनाक है कि रात को नहीं सुननी। 3D कमिंग सून। तो जी ये था जी आम का टीजर। इसमें अगर देखा जाए तो क्या कहते हैं, डायलॉग तो ज्यादा थे नहीं, वही वो कहती है कि उसकी स्टोरी सुनाओ और वो कहती है कि तुमने रात को भगवान का नाम लेने की बजाय, जो कि यूजुअली होता है सब कॉन्टिनेंटल के लोगों के अंदर, यानी कि गॉड अल्लाह खुदा का नाम लेने से पहले तुम लोग ये क्या कर रहे हो, किसकी तुमने वो बातें करनी है, तो चल सो जा, यानी कि रात को ऐसी वो नहीं करते। और साथ ही वो पूरा वो चलता है। अगर मैं इसके टीजर की बात करूं तो इसमें टोविनियो का ना बहुत ही सीरियस और रफ लुक दिखाई गई है और जंगल में, और इसका बैकग्राउंड म्यूजिक वाज वेरी गुड। और टोविनियो का जो पावरफुल इंप्रेशन है वो दिखाया गया है। और इसकी अगर मैं इसकी मूवी के सिनॉप्सिस की बात करूं और उधर से भी यही पता चला वो यही है कि ये एक नॉर्दर्न केरला के अंदर 3 जनरेशन इन 3 नस्लों से 3 पीढ़ियों से एक क्या कहते हैं तीन जो होते हैं हीरोज, 3 जनरेशन 3 पीढ़ियों के जो हीरोज होते हैं मनियन मानियन और उसके अलावा नंबर 2 पे कुंजी कैलो और अजयन, ये क्या करते हैं, ये एक बहुत ही खास खजाने को उसकी क्या कर रहे थे, हिफाजत कर रहे थे। ठीक है जी, ऑफ द लैंड, यानी कि जो जमीन की उस एरिया की एक खजाना होता है उसके 3 पीढ़ियों से उनके जो हीरो होते हैं उनकी से वो लोग उसकी हिफाजत कर रहे होते वो हिफाजत कर रहे थे। ये इसकी वो स्टोरी है और इसके बारे में जो उसकी नहीं, तो चोर का कह रही थी कि वो चोर की स्टोरी सुननी है तुमने, तो वही ना वही उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि वो क्या है। अभी तो टीजर है, यही तो इसकी बात है अच्छी, इसके अंदर म्यूजिक भी बहुत अच्छा है, म्यूजिक भी बहुत अच्छा है और इसने कीप कर लिया। और उसके जो इंटेंस लुक वगैरह लगी है ना, उसने बहुत ज्यादा लोगों अपने तरफ अट्रैक्ट की है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है वाला थोड़ा मुझे लुक लग रहा था। और जंगल के अंदर रात के सीन ये वो काफी अच्छा होगा। आई थिंक ये जब मूवी की आगे फर्दर इन्फॉर्मेशन आएगी तो ये और भी बेहतर हो सकती है मूवी। तो इसी के साथ ही हम रिएक्शन एंड करते हैं। तो अगर आपको हमारा रिएक्शन पसंद है देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर वीडियो, शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, गिव अ सजेशन इन द कमेंट बॉक्स। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो ऑन फेसबुक। बाय बाय। बाय बाय।